कहिए। आरजू बख्शी की शादी इसी घर में हुई है क्या? हाँ, पर आप लोग यहाँ किस लिए? माँ जी घबराइए मत, ऐसा कुछ नहीं किया आरजू बख्शी ने, सिर्फ वो वाला साहब आपको अपनी कार्रवाई शुरू कीजिए, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात ना है। बाबू फॉर्मेलिटी नहीं है, चिंता कुछ नहीं। आप संध्या जी, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। हाँ, बाबू से बात कराती हूँ। आइए ना। पर छोरा, इतनी रात गए, ये लोग आरजू के बारे में क्यों पूछ रहे? बेननी जी, आरजू के बारे में क्यों पूछ रहे? हाँ जी, हाँ वो आजकल बियाह शादी के मामलों में कुछ नए नियम बने हैं, कुछ कानूनी कार्रवाई करनी होगी। आपको बाबा साहब बुला रहे थे, कुछ ढूंढ रहे थे, उनको मिल नहीं रहा है। एक बार आप देख लीजिए ना बाबू, और आप परेशान मत रहिए, मैं और सूरज जी है ना, हम संभाल लेंगे। हाँ, मैं भी ना बे मतलब परेशान हो जाऊं। रे तू है, सूरज है, फिर मारे को चिंता करने की क्या जरूरत है? मैं आऊं छोरा, सुस जा जा जा। हाँ जी, आओ। तो वो आप हमारी दुकान में चलिए, आरजू को मैं वहीं बुलाती हूँ। आरजू का पाकिस्तानी होना कब तक छिपाएंगे हम बाबू से? एक नए दिन तो ये सामने आना है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि सूरज जी वक्त पर पहुंच गए। और आप कान खोल कर सुन लीजिए, क्योंकि दोबारा हम नहीं कहेंगे। आइंदा अगर आपने ऐसी घिरी हुई हरकत की तो हम भूल जाएंगे आपके साथ हमारा रिश्ता क्या है। दोबारा ऐसी हरकत मत करना, आपको रहने के लिए नया घर ढूंढना पड़ेगा, समझिए? अम्मी जान को देख के लगता है कि सच में निकाल ही देंगी। नहीं नहीं मैं इस वक्त तुम इतना बड़ा खतरा मुंह नहीं ले सकती। हवलदार साहब आप एकदम निश्चिंत रहें, आरजू की शादी हमारे घर छोटू के साथ पूरे रस्म और रिवाज के साथ हुई है। आरजू अब हमारे परिवार का हिस्सा है। पर मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आरजू कभी भी हमारे देश के कानून की उल्लंघना नहीं करेगी, बल्कि उसकी इज्जत करेगी। जो भी कागजी कार्रवाई है आरजू उसे पूरा करेगी, बेफिक्र रहिए आप लोग। ओके मैम। बड़े ही लजीज लड्डू है, मजा आ गया, आप लोग भी लीजिए ना, खाइए। नहीं तुम खाओ। आरजू हमें तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी कहिए ना। Thank you.
आरजू, कुछ बातें हैं जिनका जान समझ लेना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। तुम चुलबुल को गैर कानूनी तरीके से इंडिया लेकर आए, लेकिन वो इशू तो मैंने जुर्माना भरकर और कुछ कागजी कार्रवाई करके संभाल लिया है। लेकिन हमारा चुलबुल है कहाँ पर? बहुत प्यार करते हैं मुझसे। कब आएगा हमारा चुलबुल हमारे पास? तुम्हारा चुलबुल तुम्हारी दादी के पास है, उसकी चिंता मत करो। वो अभी यहाँ नहीं आ सकता, उसके लिए पहले हमें भाभू को राजी करना होगा। और फिक्र मत करो, उसके लिए हम दोनों पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम भाभू से बात करने ही वाले हैं चुलबुल के बारे में। देखो आरजू, आज से तुम्हें कुछ नियम कायदे निभाने होंगे जो हर उस विदेशी को निभाने होते हैं जो भारत में रह रहा होता है। सबसे पहले तो तुम्हें अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट और वीजा हमेशा अपने साथ रखना होगा। कहीं भी जाओगी तो वो दो चीजें तुम्हारे साथ हमेशा साथ होंगी। और दूसरी बात, तुम पुष्कर से बाहर नहीं जा सकती हो। हमें कहाँ जाने, अब तो हमारा घर यही है। अगर हम घर से निकले भी तो हमारी दौड़ तो इस मिठाई की दुकान तक ही है। दरअसल हमें मिठाई बहुत पसंद है। अरे, हम तो अकेले अकेले खाए जा रहे हैं, आप भी खाइए ना। ये मिठाई बाद में खाना आरजू, पहले मेरी पूरी बात समझो। अभी अभी जो मैंने कहा तुम्हें समझ में आया ना? देखो, मेरी ये बातें अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो। अगर यहाँ कोई भी चूक हुई तो बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। आरजू, तुम यहाँ पुलिस रिपोर्टिंग वीजा पर हो। यहाँ से कहीं भी आओगी जाओगी तो उसकी जानकारी नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर तुम्हें देनी होगी और वहां से परमिशन लेनी होगी, तभी तुम कहीं आ जा सकती हो। समझ में आ रही है तुम्हें मेरी बात? लेकिन ऐसी सख्ती तो एक गुनहगार के साथ होती है ना? हमने कौन सा गुनाह किया है? कानूनी नियम है ये हर उस विदेशी के लिए जो किसी हिंदुस्तानी से शादी करता है। इसमें कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। आरजू, तुम मेरी बात समझ रही हो? जी हाँ हाँ हाँ, एकदम सही कह रही हैं थारी भाभी साहब। वैसे संध्या जी, आज तो आप एकदम मास्टर निजी लग रही हैं। वैसे अगर आपकी क्लास खत्म हो गई हो तो आप अपनी स्टूडेंट को फ्री कर दो, क्योंकि आज छोटू और आरजू शादी के बाद पहली बार मिलने वाले हैं। ये लो, खाओ। अब खा सकते हैं हम? जिसमें भाभी छा के लिए बहुत सारा प्यार है। कैसे हमारे छोटू ने दो अलग अलग इंसानों को प्यार की एक डोर से बांधा था, इसलिए मुझे लगता है संध्या जी कि हमें भी इन दोनों की प्यार की इस रंगोली में प्यार के सारे रंग भरते रहने चाहिए। क्यों? सही कहा आपने सूरज जी, छोटू ने हमारे रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए बहुत कोशिशें की है, वरना आपको तो इश्क का काका भी नहीं आता था। हा? और नहीं तो क्या, सही कह रही हूँ मैं? मेरे नाड़ी प्रेमी को रोमांस के नए नए आइडिया तो वही लाके देता था, फिल्मों से चुरा चुरा के। अरे, हमारे झूले राजा है कहाँ?
उसको तो बुला के लाते, अब तो सब कुछ रेडी हो गया। देखते ही नापसंद कर दिया था भाभू ने, कहती है ये मुस्टंडी कहां से आ गई। चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ, अब तुम उससे जल्दी से उसके 10 लाख रुपए लेके ना, सॉरी 5 लाख लेके ना मॉम को दे दो। पता है मैं चाहती हूँ कि हमारे रिश्ते को जल्दी से ग्रीन सिग्नल मिले। तुम्हें तो पता भी नहीं, मैं सारा वक्त सिर्फ यही सोचती रहती हूँ कि कब हम एक होंगे। I really love you, Arjun. I love you too, Pia. मैं तो चाहती हूँ ये जल्द से जल्द नाटक खत्म हो और भाबो उसे खुद अपने घर से बाहर निकाले, उस मुस्टंडी को। अच्छा सुनो, मैं घर के पास हूँ, बाद में करता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, छोटू चल इसकी खिंचाई करते हैं। चल ओए होए, क्या क्या ना ताने सुने थे हमने भाबो से अपने लिए कि हम उनके लायक ही नहीं है। अब बड़ी लायक बिन्नी लाए हैं तुम्हारे लिए ढूंढ के। भाबो देख रही है छोटू, यही मौका है। भाबो को एहसास कराना होगा कि तुझे कितनी तकलीफ पहुंची है, ताकि भाबो खुद ही आरजू को बाहर निकाल दे। एकदम राजकुमारी चांद सी लड़की लेकर आएंगे अपने लाडले छोटू के लिए। राजकुमारी तो नहीं, पहलवान जरूर। किसका नुकसान हुआ? छोटू अठिया दीजिए ना बाबू, ये लड़कियां कुछ भी कहती, किस किस का मुंह बंद करेंगे। बाबू आप परेशान मत होना, आपने मुझे जो भी जिम्मेदारियां दी है मैं निभालूंगा। छोटू मारे लिहाज से कुछ बोलने का नहीं, पर ये तो सच है कि मारा छोरा राजकुमारी के लायक था, जिसका ब्याह अनजाने में इस मुस्टंडी से करवा दिया मैंने। चलो आ जाओ आ जाओ, अब तो ये तुम्हारा ही कमरा है। आराम से बैठ। भगवान छोटू की रक्षा करे। मतलब तुम्हारी और छोटू की जिंदगी ना ऐसे फूलों की तरह ही हो। आरजू मैं भी भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में सिर्फ प्यार ही प्यार रहे। आरजू मैं क्या कह रही थी, तुम डरना नहीं। हाँ हमारा छोटू पतला जरूर है लेकिन वजन कोई भी उठा सकता है। मतलब वो कसरत करता है ना, वो देखो। तो तुम डरना नहीं। हाँ अच्छा तो फिर हम चलते हैं। हाँ फिर मिलेंगे। हाँ हाय, फिर क्यों मिलेंगे, अब तो कल सुबह ही मिलेंगे है ना।
मैं क्या कह रही हूँ? ओल्ड दी बीस्ट। चटारी जी चलिए, चलो चलो। आज हमें इतनी घबराहट क्यों हो रही है? डर सा क्यों लग रहा है? डरते नहीं आरजू, याद है ना सलमान ने क्या कहा था? तीन चीजों को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, आई मी और माई सेल्फ। साजन जी घर आए, साजन जी घर आए, दुल्हन क्यों शर्माए, साजन जी। ये यहाँ पर भी आ गई। अरे जानी ले ली आपने तो, जब से हम अपने ससुराल आए हमारा पीछा छोड़ ही नहीं रहे हैं। ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रहे हैं? आपको पता है हमारा इतना अच्छा स्वागत होते होते रह गया? अगर हमारे खिलाफ कोई साजिश रची ना तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। अच्छा अभी भी पूरे जा रहे हो? आपने हमें भगाया था ना, अब देखिए हम आपको कैसे भगाते हैं। छोटू याद है ना सूरज भाई सा और थारी संध्या भाभी सा की जोड़ी कैसी थी? मारो सूरज तो एकदम राजकुमार था और थारी संध्या भाभी सा का रूप रंगना सासरे के खान पान से ही निखरा है, एक उत्तर तो दूसरों तक से। पर आज देख कैसे दोनों में एक दूसरे के प्रति लगाव है, समय के साथ ना सब कुछ ठीक हो जावे। तू चिंता मना कर छोड़ हाँ? अच्छा वहां पहुंच गए, अभी बताते हम आपको। सही कहवे भैया सूरज, आरजू बेलनी इतनी भी मुस्टंडी को नहीं। वो कहे छोरा हैदराबाद में लोग ज्यादा चावल खावे है ना, बस इलिए ना शरीर थोड़ो सो बढ़ गयो है। अपने परिवार में खान पान खाएगी ना तो उसको रूप भी संध्या बीनणी की तरह निखर जावे। तो चिंता मना कर छोड़ा, जी छोटा ना करे हाँ, सब बढ़िया। छेदी सिंह हम थोड़े टेढ़े किस्म के हैं, आज या तो आप नहीं या हम नहीं। आज के दिन ही मारे छोरे का सर फोड़ने चली थी। माफ कीजिए, वो ना हम छिपकली भगा रहे थे, हमें छिपकली से बहुत डर लगता है। हमारा इनका सर फोड़ने का कोई इरादा नहीं था। क्या बकवास की जा रही है? कुछ करने से पहले ना जरा सोच लिया कर मुस्टंडी। मतलब आरजू बीनणी चाल छोड़।
रे मारा राम जी, आज अगर मैं ना होती ना, तुम्हारे छोरे को सरी फोड़ डालती। न जाने मारे छोरे को क्या हुए को। हे ठाकुर जी, रक्षा करना मारे छोटू की। रे राम जी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।